दुनिया भर में इस वक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की कोशिशें तेज हुई हैं। भारत में भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के तहत ई वाहनों का प्रचार जारी है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें खास बढ़ावा नहीं मिला है। इसके पीछे कई वजहें दी जाती हैं, जबकि दो सबसे बड़ी वजह अब तक सामने आई हैं, उनमें एक है ई वाहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। अब इन्हीं कमियों को दूर करने का ऐलान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों से बातचीत कर रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है ई हाईवे। इलेक्ट्रिक हाईवे को किसी पारंपरिक हाईवे से अलग बनाने की जरूरत नहीं होती, यानी एक ही हाईवे में पारंपरिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां साथ चल सकती हैं। हालांकि जहां पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को हाईवे में बीच में ही ईंधन भराने के लिए रुकना पड़ता है, वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे पर चलने वाली ई कारों को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता। ऐसे हाईवे में ई कार, ई ट्रक या ई बस के लिए ऐसे इंतजाम होते हैं कि वो सड़क पर चलते हुए ही चार्ज हो जाएं। आइए आपको बताते हैं कि ई हाईवे पर चलते हुए कैसे चार्ज हो जाती हैं गाड़ियां। पेंटोग्राफ मॉडल। अब तक इलेक्ट्रिक हाईवे में किसी वाहन को चार्ज करने में तीन तरह की तकनीकों का इस्तेमाल होता है। पहली तकनीक है हाईवे पर ओवरहेड केबल के इस्तेमाल की, इसे पेंटोग्राफ मॉडल कहा जाता है। कंडक्शन मॉडल। दुनिया में ई हाईवे दो और तकनीकों पर काम करता है। पहली तकनीक है गाड़ियों को चार्ज करने वाली सड़कें। इनमें गाड़ियों के कॉन्टैक्ट आम नीचे की तरफ लगे होते हैं और ये सड़क से चार्जिंग लेकर चलती हैं। तीसरी तकनीक इंडक्शन मॉडल की है, जहां वाहनों को चार्जिंग के लिए किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट आर्म यानी संपर्क की जरूरत नहीं होती। इनमें वाहन सड़क और गाड़ी में लगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक से चार्ज हो जाते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।